श्रमण रत्न वात्सल्य मूर्ति, मनोज्ञ मुनि श्री विभंजन सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य, मंगल निर्देशन में दिनांक 3 अप्रैल 2022 को दिल्ली की धर्म नगरी श्री दिगंबर जैन मंदिर जैन नगर न्यू उस्मानपुर में भव्य वार्षिक रथयात्रा महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। वार्षिक रथयात्रा में सर्वप्रथम झंडारोहण के साथ पावन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। झंडारोहण के पश्चात श्री जी की रथयात्रा जैन मंदिर उस्मानपुर से विभिन्न मार्गों से होते हुए निकाली गई। रथयात्रा में अनेक भक्तजन सम्मिलित हुए। भक्तों ने रथयात्रा का धर्म पुण्य लाभ प्राप्त किया, जिसके बाद रथयात्रा कैथवाड़ा जैन मंदिर पहुंची। उसके पश्चात कैथवाड़ा मंदिर में श्री जी का अभिषेक पूजन किया गया। अभिषेक पूजन के बाद रथयात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए उस्मानपुर जैन मंदिर वापस पहुंची। मुनि श्री विभंजन सागर जी मुनिराज के मुखारबिंद से अभिषेक एवं शांति धारा का भी भक्तों को लाभ प्राप्त हुआ। अभिषेक शांति धारा के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम का पूरा श्रेय सकल जैन समाज जैन नगर न्यू उस्मानपुर दिल्ली को जाता है, जिन्होंने कार्यक्रम को उत्साह के साथ सुचारू रूप से सफल बनाया। सादर जय जिनेंद्र सभी को। हमारे उस्मानपुर जैन मंदिर की रथ यात्रा 3/4/2022 को निकाली गई विभंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में। 2 तारीख को हमारा रुपेश का प्रोग्राम हुआ, जो कि बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और उसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसमें गौतमपुरी की समाज, कैतवाड़े की समाज, शास्त्री पारक की समाज, सभी ने सहयोग दिया। और 3 तारीख को जो रथ यात्रा निकाली उसमें भी सभी ने सहयोग दिया। और भगत सिंह कॉलोनी होते हुए जैन नगर होते हुए पूरे कैतवाड़े में पहुंची, वहाँ पे हमारा सबका बहुत सम्मान किया गया। और उसके बाद वहाँ से होने के बाद वापसी उस्मानपुर में ही समाप्त हुई। और यह रथ यात्रा विभंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में निकाली गई और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। जय जिनेंद्र, मैं सुनील जैन, मंत्री श्री दिगंबर जैन मंदिर जैन नगर न्यू उस्मानपुर। वार्षिक रथ यात्रा के बारे में कुछ संबोधन करना चाहूँगा। आज की यह वार्षिक शोभा यात्रा मुनि श्री विभंजन सागर महाराज जी के सानिध्य में निकली, जिसमें कल रात को रुपेश नाइट का प्रोग्राम हुआ और बहुत ही सफलतापूर्वक यह प्रोग्राम चला। रात के 1 बजे तक प्रोग्राम चला, जिसमें पूरे समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जैन समाज कैथवाड़ा, न्यू उस्मानपुर, गौतमपुरी, ब्रह्मपुरी सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आज सुबह रथ यात्रा प्रारंभ लगभग 9:30 बजे हुई, जो कि विभिन्न मार्ग भगत सिंह कॉलोनी, न्यू उस्मानपुर, कैथवाड़ा, जीरो पुस्ता, शास्त्री पार्क होते हुए अपने पुणे MCD फ्लैट होते हुए वापसी उस्मानपुर में पहुंची। और सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें बैंड बाजे, घोड़े,
रथ बग्घियाँ सभी बहुत ही लंबा जुलूस हमने इस शोभा यात्रा में निकाला और सभी का हमें सानिध्य बहुत अच्छा प्राप्त हुआ और हम उन सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। हमारा 2 तारीख का रूपेश का प्रोग्राम था, अच्छी धूमधाम से मनाया गया। उस्मानपुर, कैदवाड़ा, सीलम और तुम्हारे ब्रह्मपुरी और गौतमपुरी सब लोगों ने हिस्सा लिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और रथ यात्रा बेमनसर महाराज जी के उपलक्ष्य में 3 तारीख को बड़े धूमधाम से न्यू उस्मान भगत सिंह कॉलोनी होते हुई मेन रोड पर होते हुई कैदवाड़े पहुँची, हमारे वहाँ स्वागत हुआ और खाने का बहुत अच्छा प्रबंध था। वहाँ से होते हुई DDA प्लॉट में होते हुई उस्मानपुर में समाप्त हुई। बोल श्री पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जैन नगर उस्मानपुर की ये जो वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव है, इसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है। 1966 यानी कि लगभग 55-56 सालों से वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव जैन नगर उस्मानपुर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाने जा रहा है। जैन नगर उस्मानपुर वासियों का क्या बल्कि पूरे संसार का ही बड़ा दुर्भाग्य रहा कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल की वजह से वार्षिक रथ यात्रा नहीं निकल पाई, लेकिन इस बार बड़ी ही असीम अनुकंपा रही हमारे शांतिनाथ भगवान की और मुनि श्री 108 विभंजन सागर जी मुनिराज की, जिनके मंगल सानिध्य में हमने इस वर्ष का वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया। और इस श्रृंखला के अंतर्गत सबसे पहले 1 तारीख को हमने अनंतनाथ अरहनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया। उसके बाद दूसरे दिन जो जैन भजन सम्राट हैं हमारे भाई रूपेश जी, उनके बहुत ही समुद्र संगीत के द्वारा पूरी जो सांध्यकालीन जो सभा है बहुत ही भक्तिभाव में और भक्ति लहर में सभी भक्तों ने गोते लगाए और अध्यात्म की और भक्ति की सरोवर में लोग आपस में उतराते रहे और अपनी जितने 2 साल की भावनाओं को जितना अपने अंदर से निकाल सकते थे उतना उन्होंने निकाला और बड़े ही भाव विभोर होकर बड़े ही उमंग में उस रथ हमने संध्या को अपने रथ यात्रा महोत्सव के लिए बहुत ही जोरदार उत्साह और उमंग के साथ हमने मनाया। और अगले दिन यानी आज का दिन 3 तारीख को प्रातःकालीन बेला में सबसे पहले झंडारोहण श्री पवन कुमार जैन राहुल जैन एटा परिवार की ओर से झंडारोहण हुआ। उसके बाद जो हमारे सौभाग्यशाली पात्र थे जिसमें सौधर्मेंद्र श्री संजय टेंट हाउस के परिवार से दाया चवर बाया चवर और कुबेर सारथी हमारे जो कार्यकारिणी के सन्नी जैन एडवोकेट हैं उनके परिवार से 2-2 कूपन निकले थे, उन सभी को वह सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जैन नगर उस्मानपुर की विभिन्न मार्गों से होते हुए धर्म प्रभावना फैलाते हुए जगह जगह पर तोरण द्वार और बंधन आरती के साथ जैन नगर उस्मानपुर की वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव इस प्रकार पहले पुस्ते जीरे पुस्ते होते हुए वहाँ पर कैतवाड़ा जैन मंदिर पहुँची। और कैतवाड़े में अभी पिछले हफ्ते ही पंच कल्याणक महोत्सव जो संपन्न हुआ था उसके बाद की जो नवीन वेदियों का छठा देखते ही बनती थी और उन नवीन वेदियों को छठा के साथ हमारे जो महावीर स्वामी पर प्रभु वहाँ पर क्या प्रवाह अपना पूरे नगर में घूमते हुए चले गए और जो वहाँ पर बड़ी धूमधाम से पूरे कैतवाड़ा समाज ने उस रथ यात्रा की आगवानी की, स्वागत किया, अभिनंदन किया, भक्ति आरती की और इस प्रकार वहाँ पर पूजन और अवसर के पश्चात पुनः MCD कॉलोनी होते हुए जैन नगर उस्मानपुर पर संपन्न हुई और अभी भी वह कार्य चल रहा मुनिश्री के सानिध्य में। बहुत ही सुंदर सामूहिक पूजन चल रही है और इसके समापन और विसर्जन के पश्चात श्री जी को पुनः उसी स्थान पर हमने स्थापित किया। बोलो महावीर भगवान की जय।